वेलकम टू द ज्ञान गंगा अकेडमीज इंटरेक्टिव क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड एंड आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिट टू नोजेस। नोजेस इज अ पोएम कंपोज्ड बाय एलन फिशर एंड इन दिस पोएम A little girl is peeping in a mirror and what she feel about her nose. In this poem we can see this. Now let's start with this poem. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. It's the funniest thing the way it grows. Stuck right out here, all of it shows. Stuck right out where all of it shows. With two little holes where the breathing goes. With two little holes where the breathing goes. In the first paragraph of this poem, the poet Alan Fisher wants to explain about a girl who is looking into the mirror and what he feel. Just look at the lines of the rhyme. आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का यूनिट टू का पहला चैप्टर, जो कि एक राइम है एलन फिशर द्वारा लिखित एक कविता जिसका नाम है नोजेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कवियत्री ने एक बच्चे की मन स्थिति को बताने का प्रयत्न किया है, जिसमें कि वह जब बच्ची अपने आप को शीशे में देखती है तो वो कैसा फील करती है, उसके बारे में बताया है। और उसको अपने चेहरे पर नाक सबसे मजाकिया लगती है और वह यह देखकर अपने आप को गुदगुदाती कैसे है, वो इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स रीड द राइम एंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस राइम। आई लुक्ड इन द मिरर, वो कहते हैं कि मैंने मिरर के अंदर देखा, एंड लुक्ड एट माई नोज, और वहाँ पर मैंने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, यह सबसे मजाकिया या विचित्र चीज़ थी। द वे इट ग्रोज, यह जिस तरीके से बढ़ रही थी ये मेरे लिए सबसे मजाकिया या विचित्र सी बात थी। क्यों विचित्र सी बात थी उसके लिए? कि वह स्टक राइट, बिल्कुल खड़ी थी सीधी, ऐसे खड़ी थी कि जैसे उसके जो मेरे दोनों नाक के जो दोनों होल्स थे वो बिल्कुल साफ साफ मुझे दिखाई दे रहे थे। वेयर द ब्रीथ गोज, जहाँ से कि मैं सांस लेती हूँ वो दो होल्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose. Isn't much space to spare with my nose. Like a handle sticking there. नेक्स्ट पैराग्राफ में कवियत्री उस बच्चे के माध्यम से कहना चाहती है कि जब भी मैं उस मिरर को देखती हूँ, या मैंने जैसे मिरर को देखा और मैंने वहाँ देखा जहाँ पर कि मेरी चिन माने बोलते हैं ठुड्डी बोलते हैं, जो कि हमारी लिप्स के नीचे का जो हड्डी होती है, ठीक है ना, बोन होती है, उसको चिन बोलते हैं। जैसे कई बार मम्मा या कोई बच्चा बड़ा जो आपको प्यार से आपकी चिन पे हाथ लगाता है या आपकी टूटी पे हाथ लगा के आपको करता है, दैट इज़ कॉल्ड चिन। वो कहता है कि मैंने जब अपने शीशे में देखा और मैंने देखा अपने ठोड़ी के आखिरी सिरे पर, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और वहाँ पर से मुझे अपनी चुटिया भी दिखाई दी जहाँ से मेरी चुटिया शुरू हो रही है। एंड बिटवीन देयर, और उसके बीच, बिटवीन माने बीच में, देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, वहाँ पर मेरे लिप्स और मेरी नोज़ के बीच में मुझे कोई ज़्यादा स्पेस, जगह नहीं दिखाई दी। वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चिपके हुए हों। अब लास्ट जो पैराग्राफ है इस राइम का, इसमें एलन फिशर कहती हैं कि इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गीगल एंड शाउट,
If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. अब वो के लास्ट पैराग्राफ में एलन फिशर उसके बच्ची के माध्यम से कहती है कि जब कभी भी तुम्हारा मन खिलखिलाकर गीगल्स माने खिलखिलाकर या गुदगुदी खिलखिलाकर हंसने का या चिल्लाने शाउट माने चिल्लाने का मन करे और तुम्हें कोई भी यू कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट और उसके लिए तुम्हें कोई भी कारण नहीं नज़र आए, मतलब कि अगर तुम्हारा मन तो कर रहा है कि तुम्हें खिलखिलाकर हंसना है या ज़ोर से चिल्लाना है लेकिन उसके लिए कोई कारण आपको नहीं मिल रहा कि आप क्यों ज़बरदस्ती चिल्लाओ या हंसो, तो आपने कुछ नहीं करना. जस्ट लुक इन द मिरर, आपने सिर्फ मिरर के अंदर देखना है एंड देन और आप देखना कि नो डाउट कि आपको बिना किसी संदेह के यू विल सी हाउ फनी यूअर नोज़, तुम देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर सबसे मजाकिया चीज़ कौन सी है, वो चिपकी हुई है वो क्या है, वो नाक है और वो तुम्हें खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देगी. तो इन ब्रीफ ऑफ दिस राइम नोजेज अ गर्ल वॉज लुकिंग इन टू द मिरर एंड सी फाइंड हर नोज इज द फनीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. वी कैन से वो कहते हैं कि इस कहानी का अगर मैं इस राइम का अगर मैं आपको सारांश या बताऊं तो उसमें एक बच्ची अपनी आपको शीशे में देख रही है और उसे उस शीशे में अपनी नाक से ज़्यादा मजा किया कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही. राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस राइम. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.